हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक यू आर वाचिंग एड ऑनलाइन अ चैनल फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे चैप्टर नंबर थर्ड के एंड द चैप्टर नंबर थर्ड इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इस चैप्टर से आपसे किस तरह से एम पूछे जा सकते हैं उसके लिए मैंने आपके लिए ट्वेंटी प्रॉब्लम्स का एक सेट यहाँ पर तैयार किया है वो आपको खुद से अटैम्प्ट करना है और वो आपने जो आप आंसर आपको लगता है सही है वो आप नोट डाउन करते रहेंगे और लास्ट में आपको इस वीडियो के आंसर सीट प्रोवाइड की गई है उससे आप मैच करेंगे एंड द रिज़ल्ट यू विल राइट इन योर कमेंट और जो रिजल्ट आपका आएगा वो आप कमेंट में लिख कर मुझे बताएंगे कितने आपने इसमें सही अटेम्प्ट किए हैं हाउ मच इज योर स्कोर सो आइए शुरू करते हैं नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सिक्स एट यूनिट प्लेस इनमें से किसके यूनिट प्लेस पर सिक्स आएगा जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो किसके यूनिट प्लेस पर सिक्स आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर के लिए सही है ये हमें बताना है नेक्स्ट इफ फाइव टू सेवन एट इज स्क्वायर्ड देन वट विल बी एट यूनिट प्लेस अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी चार में से कोई एक है वो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एन 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 प्लस वन यदि आप एन और एन प्लस वन का स्क्वायर करते हैं तो उसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलेंगे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंजीकेटिव नेचुरल नंबर इनमें से कौन सा जो हमें दिए गए हैं दो कन्जिकटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का यदि आप डिफरेंस करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है उनका सम मिलता है उनका डिफरेंस मिलता है ट्वाइस द सम ऑफ द टू नंबर्स उन दोनों नंबर के सम का ट्वाइस हमें मिलता है ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स उन नंबर्स के डिफरेंस का ट्वाइस हमें मिलता है कौन सा इनमें से सही है वो आपको बताना है सिक्स वट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन स्क्वायर ऑफ फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड का यदि आप स्क्वायर करते हैं तब जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसमें कितने जीरोज होंगे नेक्स्ट हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाए बिटवीन एन स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर एन सॉरी नाइन स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे ये हमें बताना है नेक्स्ट इफ़ अ नंबर ऑफ एन डिजिट्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर यदि एन डिजिट्स का कोई नंबर है जिसमें एन डिजिट्स हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर है एंड एन इज़ एन ईवन नंबर और एन क्या है एक ईवन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ इट्स स्क्वायर रूट तब इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी ये हमें यहाँ से बताना है चार ऑप्शन हमारे पास हैं अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन थर्टी एंड फोर्टी इज थर्टी और फोर्टी के बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है चार ऑप्शन है सही कौन सा आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट इनमें से कौन से पायथागोरियन ट्रिपलेट हैं चार ऑप्शन है आपको कौन सा सही है वो आपको यहाँ से चूज करना है वॉट इज द सम ऑफ द फर्स्ट फोर ओड नेचुरल नंबर फर्स्ट फोर ओड नेचुरल नंबर का सम कितना होता है नेक्स्ट द सम ऑफ वन प्लस थ्री प्लस फाइव डोट 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 प्लस नाइनटीन इज इनका यदि आप सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट द स्क्वायर ऑफ फोर्टी टू इज़ फोर्टी टू का स्क्वायर क्या होगा एंड द पाथागोरन ट्रिपलेट हु स्मोलेस्ट नंबर इज़ एट पाइथागोरन ट्रिपलेट जिसका सबसे छोटा नंबर क्या है एट है वो कौन सा इनमें सही है वो हमें चूज़ करना है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एन इनमें से कौन सा किसी नेचुरल नंबर एन का स्क्वायर हो सकता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम या सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम या सम ओ फर्स्ट एन माइनस वन नेचुरल नंबर पहले एन माइनस वन नेचुरल नंबर का सम या फिर सम ओ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर्स या पहले एन ओड नेचुरल नंबर का सम होता है एन का स्क्वायर कौन सा सही है वो आपको यहां बताना है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ स्क्वायर नंबर इनमें से कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नेक्स्ट द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इवन नंबर इनमें से किसका स्क्वायर इवन नंबर होगा वेरी इजी क्वेश्चन है ये नेक्स्ट द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर इनमें से किसका स्क्वायर एक ओड नंबर मिलेगा दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी प्रॉब्लम दोनों सेम है नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ फर्स्ट डोट डो डोट कंजीक्यव ओड नंबर्स ट्वेंटी फाइव को हम फर्स्ट कंजीक्यटिव ओड नंबर्स के बीच में के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं कितने कंजीकटिव और नंबर्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमें यहाँ से बताना है वट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन पायथागोरन ट्रिपलेट दिस पायथागोरन ट्रिपलेट दिया गया है और इसमें एक नंबर हमारा एक्स है वो क्या होगा ये हमें बताना है द स्क्वायर ऑफ माइनस नाइन इज माइनस नाइन का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो इनमें से कौन सा आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा आपको चूज करना है वाई विच स्मॉलेस्ट नंबर 90 मस्ट भी मल्टीप्लाइड सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर 90 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए विच स्मॉलेस्ट नंबर 48 एट मस्ट भी डिवाइडेड सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर 48 को किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ट्वेंटी फोर विच ऑफ द विच इज द स्मोलेस्ट थ्री डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन सा सबसे छोटा थ्री डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एंड द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो इज़ विच इज़ द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन सा थ्री डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है बड़े से बड़ा तीन डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको यहाँ से चूज करना है कौन सा है सो आई थिंक नाउ यू हैव योर ऑल आंसर्स इन योर हैंड अब आपके पास आपके आंसर आपके पास होंगे इट्स टाइम टू मैच दैम अब समय है उन्हें मैच करने का कि आपने कितने उनमें से सही अटैम्प्ट किए हैं सो दिस इज़ योर आंसर शीट इसमें सभी प्रॉब्लम्स के आपको आंसर दिए गए हैं वन से लेकर ट्वेंटी फाइव तक आपको चेक करना है कौन से आपके सही हैं और कौन से गलत हैं और यदि किसी में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं दैट कि आपको इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या फिर और भी किसी तरह की कि प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख उसका सोल्यूशन पा सकते हैं एंड द रिज़ल्ट यू हैव टू कमेंट और आपको ध्यान रहे कि आपको रिजल्ट कमेंट करना है सो so, इस वीडियो में इतना ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ पर तब तक के लिए आप इसको एक बार फिर से देखें जिनमें यदि प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आप रिमूव करें